अस्सलामुअलैकुम बीजान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप मसरूफ तो नहीं हैं आप? नहीं, आपके लिए तो मैं कभी भी बिजी नहीं हो सकती। बस हाँ, थोड़ी देर में हॉस्पिटल के निकलूंगी। आप बताएं क्या हो रहा था? अच्छा अच्छा बेटा, बस याद आ गई अपनी बिटिया की, तो हमने सोचा बात ही कर लें फोन पे। रोहेल के अब्बा भी आपको बहुत याद कर रहे थे, बल्कि हमें रूही ने बताया कि कल आपकी उनसे मुलाकात हुई थी। हाँ, वो समरीन ने हमें ट्रीट दी थी ना, तो इसलिए मुलाकात हो गई थी वहां पे। बेटा, आपके वालिद के लिए बहुत दुआएं कर रहे हैं कि वो जल्दी सेहतियाब हो जाएं और अपनी बेटी को अपने सामने अपने हाथ से ही रुखसत करें। आमीन। पापा का तो ट्रीटमेंट चल रहा है ना, आपको तो पता ही है। आई थिंक मुझे ना कुछ दिनों के लिए अमेरिका भी जाना पड़े इसीलिए। वैसे तो वहाँ सब मौजूद हैं, चाचा हैं, पप्पो हैं, उनकी टेक केयर करने के लिए, लेकिन बीजान वो मुझे ना बहुत मिस करते हैं। एंड आई थिंक मुझे इस मुश्किल वक्त में पापा के साथ होना चाहिए, राइट? अच्छा, हाँ बेटा, एक बाप के लिए बेटियों से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। अच्छा, जरा फुर्सत मिले तो चक्कर लगा लो भाई, हम अपनी बिटिया को बहुत मिस कर रहे हैं। क्यों नहीं बीजान, जैसे ही मुझे छुट्टी मिलती है ना हॉस्पिटल से, मैं सबसे पहले आपसे मिलने आऊंगी। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज, जीती रहो। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बाय। सब खैरियत है? हमशा के वाले साहब की कैसी तबीयत है? बहुत परेशान है रमशा, उसके वालिद की कंडीशन ठीक नहीं है। अब आप ही बताएं ना, ऐसे में शादी की क्या बात करते हैं हम? उसको अपने बाप के पास होना चाहिए इस वक्त। कह रही थी कि जाएगी वो अमेरिका उनके पास। जारा बेगम, हालात कुछ इस तरह के हैं ना, कुछ नहीं कहा जा सकता सिवाय इंतजार के। रमशा जब तक खुद से ना कहे ना, हम उस पर जोर नहीं दे सकते।